दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज के वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं वीवो वी 17 के बारे में। वीवो वी 17 अलग है, वीवो वाई 17 अलग है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वीवो वी 17 के बारे में कि वीवो वी 17 में दो मॉडल होता है, 1943 एक होता है 1919, वीवो वी 17 1919। तो ये मोबाइल एक जो सब्सक्राइबर है ठीक है उनके पास है और उसको मुझे अनलॉक करना है यहाँ से अनलॉक टूल के माध्यम से। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको इस वीडियो में कि किस तरह से मुझे अनलॉक करना है ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि पैटर्न लॉक अगर आपका इस मॉडल में आता है तो किस तरह से आप उसे अनलॉक कर सकते हो। तो अनलॉक करने के लिए आपको सबसे पहले जो वीवो का टूल है इसमें अनलॉक टूल के अंदर में वीवो पे आपको क्लिक मारना है यहाँ सबसे ऊपर में। जैसे आप यहाँ पे वीवो में क्लिक मारेंगे उसके बाद ये ऑप्शन कुछ इस तरह का आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको अपना जो है सबसे पहले मॉडल नंबर सेलेक्ट करना है। तो वीवो में जो दो मॉडल है ठीक है दोनों मॉडल एक ही बूट नंबर पर है तो इस मॉडल को आपको सिलेक्ट करना होगा। चलिए हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं मॉडल। तो जो भी मॉडल आपको अनलॉक करना है उस पर यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे ठीक है, उस बूट को यहाँ पे जो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा वो बूट। तो हमने वीवो वी 17 को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपके मोबाइल में अगर पैटर्न लॉक है तो आप जो है फैक्ट्री रिसेट कर सकते हैं यहाँ से ठीक है, यहाँ से काम करेगा। लेकिन अगर यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। पैटर्न लॉक पिन लॉक को अनलॉक करने के लिए आपको नीचे में क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे काम नहीं किया। लेकिन नीचे वाले ऑप्शन को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तुरंत ये काम करेगा और यहाँ से आपका जो है पिन लॉक या पैटर्न लॉक अनलॉक हो जाएगा। और FRP लॉक अगर आप यहाँ से हटाना चाहेंगे इरेज FRP पे क्लिक करके तो यहाँ से अनलॉक नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको अनलॉक करना है अनलॉक टूल में, FRP लॉक कहाँ से अनलॉक करना है उसके बारे में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में फिलहाल मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे पैटर्न लॉक अनलॉक करने के लिए। आप देख सकते हैं मोबाइल सक्सेसफुली बूट कर चुका है ठीक है, और मोबाइल को हमने एडियल मोड में लगवाया था कस्टमर से, उन्होंने एडियल मोड में मोबाइल को लगा कर रखा था और ये मोबाइल बूट कर चुका है। कुछ इस तरह से प्रोसेस चलेगा और कुछ ही देर में ही आपका जो मोबाइल यहाँ से अनलॉक हो जाएगा, पिन पैटर्न जो भी होगा आपके मोबाइल में अनलॉक हो जाएगा ठीक है। अगर मान के चले फिर अगर पिन पैटर्न अनलॉक होने के बाद फिर भी अगर आपके मोबाइल में FRP आता है यानी गूगल अकाउंट आता है ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बता दूंगा किस तरह से आपको FRP अनलॉक करना है ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि FRP कैसे अनलॉक करना है। और अब जो है रेगुलर मैं वीडियो डालने वाला हूं अनलॉक टूल के बारे में, इसका एक एक बात मैं आपको बताने वाला हूं इस टूल के बारे में कि इसका क्या खूबी है, कौन कौन से आप इसमें मोबाइल अनलॉक कर सकते हैं। यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि इस टूल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ ठीक है। हर एक इसमें जितना भी फंक्शन है इसके बारे में हर एक फंक्शन के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ इस टूल के माध्यम से ठीक है। तो इसी टूल पर अब वीडियो रेगुलर हम डालेंगे और कौन कौन सा फंक्शन किसके लिए है सबके बारे में आपको बताएंगे और बहुत सारे मोबाइल आपको इसमें हम अनलॉक करके दिखाएंगे। जो कि ऑनलाइन अनलॉक होता है उन मोबाइल को भी मैं आपको इस टूल के माध्यम से अनलॉक करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।